तो दोस्तों जैसे इस वक्त हम लोग लाइव आ चुके हैं और लाइव में आज बात करेंगे लैलतुल कद्र के बारे में, है ना। आज की जो रात है लैलतुल कद्र की रात है जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और 21वीं 23वीं और रात को 25वीं 27वीं 29वीं, कुछ लोगों का मानना है कि 27वीं रात मतलब अपने से लोगों ने निकाला है, लेकिन कुरान में जिक्र आया है कि ये पांच रातों में आपको लैलतुल रात को खोजना है, तो उसके बारे में आपकी क्या तफसीरियात है? नहीं देखिए, कुछ लोग जो कहते हैं वो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली तो बात है नहीं। हुक्म हुआ है ताक रातों में इस रात को तलाशने का, तो ताक रात जो हुई वो ऑड्स में रातें हो गई, तो ऑड से मुराद है 21, 23, 25, 27 और 29। लेकिन इसमें भी रब ने हिकमत रखी है के डिस्क्लोज नहीं किया है पर्टिकुलर रात को। रब चाहता तो डिस्क्लोज भी कर देता, लेकिन रब ने डिस्क्लोज नहीं किया। रब ने डिस्क्लोज नहीं किया तो सबसे अहम तरीन चीज इस पे हम तवज्जो रखें के सब ज्यादा से ज्यादा इसकी फयूज हम बटोर सकें, इसकी ब्लेसिंग जो है ज्यादा से ज्यादा हम जितना हो सके उतना बटोर सकें, क्योंकि हम सोए रह जाते हैं तमाम रातों में, और हमने 27 को जो 27वीं शब होती है उसको हमने जहन में ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया है कि वो है लैलतुल कद्र, और ओनली 27 को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं शब्बेदारी में, लेकिन ऐसा है नहीं। लैलतुल कद्र जो है वो 21, 29 ऑड में तलाशिए उसमें मिल जाती है, और जो लोगों का दिल जो है वो गीबत और झूठ से खाली होता है, आप यकीन मानिएगा, जिनका दिल बिलखसूस गीबत और झूठ, मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा, क्योंकि ये दो चीज ऐसी है शाने भाई जो सारी बुराई की जड़ है। इमाम गजाली ने कीमियाए सादत में बिल्कुल तफसील से बताया है कि मुकाशफतुल कुलूब कैसे होगा। मुकाशफतुल कुलूब का मतलब होता है कि जो कल्ब है वो खुल कैसे जाएगा। मुकाशफा जो है कश्फ से है, कश्फ मतलब कोई भी जो हिडन चीज है उसको खुलना, उसको कश्फ कहते हैं, है ना। कुलूब मतलब ऑब्वियसली कल्ब, हमारा हार्ट जो खुलेगा कैसे, उसमें अल्लाह का नूर की तजल्ली समाएगी कैसे। तो उसमें इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने 10 आलाइशें गिनाई हैं। कंटिन्यू घारी भरिएगा तब मैं समझा। तो 10 आलाइशें गिनाई हैं, वो 10 आलाइशों को मैंने स्टडी किया, देखा, लेकिन मुझे लगा कि जो सारी बुराई की जड़ है ना वो झूठ और गीबत है, और झूठ और गीबत ऐसी चीज होती है कि लैलतुल कद्र जैसी अजीम तरीन रात में, ये वो रात है जिसमें कुन फयकून का मालिक आपसे खुद बराह रास्त फरमा रहा है कि तुम बस स्लो कनेक्शन उससे अच्छा दिक्कत, तुम बस जो हो कनेक्ट हुआ कि नहीं, कनेक्ट है वहां पे 3-4 लोग देख रहे हैं। अच्छा, तुम बस मेरे दरबार में हाथ फैलाओ, हाँ, और विदाउट एनी प्रोविजन मैं आपको आखरत अता फरमा दूंगा। आखरत, ये दो चीज मैं इसलिए वाजे कर देना चाह रहा था कि अगर आज की रात रब से अगर हम ये मांगेंगे या बारी ताला, फिरदौस के बाग के 8 दरवाजे हमारे ऊपर खोल दे, या हमारे माँ बाप के ऊपर खोल दे, या हम सब मुसलमानों के ऊपर खोल दे, तो आखिरत में यकीन जानिए विदाउट एनी प्रोविजन, मैं बार बार एम्फेसिस करना चाहूंगा, आपके ऊपर 8 दरवाजे जन्नतुल फिरदौस अल आला, ये मैं कैटेगोरिकली कहना चाह रहा हूं, जन्नतुल फिरदौस अल आला का जो बाग फिरदौस है
ठीक है, वो बाग फिरदौस के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे, ठीक है। ये शान रबूबियत है आज की रात में। और अगर हम दुनिया मांगते हैं बारी ताला से, या अल्लाह हमें के बेशुमार दुनिया अता फरमा दे, तो वो भी रब अता फरमा देता है। लेकिन रब देखता है कि इसको अगर दुनिया दे देते हैं तो ये संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, या दुनिया उतनी मिल जाए तो मेरे ही याद से गाफिल हो जाए। तो वहां पे रब कंसीडर करता है, पहले देखता है कि सर्कमस्टांसेस जो है, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वो मुख्तलिफ चीज जो है वो पैरामीटर में आएंगी, तब रब जाके उसको देगा या नहीं देगा या किस एक्सटेंड तक देगा। पर अगर आज की रात में आखिरत रब से तलब की जाए, रब की रजा रब से तलब की जाए, सेल्वेशन रब से तलब किया जाए, ठीक है, बल्कि जो आज से जो अशरा आखिरी अशरा शुरू हुआ वो अशरा सेल्वेशन है, मुक्ति का अशरा है, निजात का अशरा है, ठीक है। तो इस हवाले से ये रात बहुत कीमती है, बहुत अहम तरीन है, और मैं यही सबको मैसेज देना चाहूंगा कि 27 को आप मखसूस मत कर लीजिए लैलतुल कद्र से, आप 21 को भी शब्बेदारी, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी, 29 को भी। अब ये है कि शैतान तो नहीं होगा, होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन तो नेट ऑन है आपका, लेकिन अंधेरा है, अंधेरा से उजाला कर दे रहे हैं, करिए ना, करिए करिए। हाँ, वहां पर रख दीजिए, पकड़े मत रहिए, खाली रख दीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। तो हमें ये कह रहा था कि मखसूस ना कर ले, ठीक है, 27 को, और किसी के भी कहने पर कन्विंस ना हो जाए, ठीक है। 21 से 29 जितनी ताखराते हैं, जितनी और नाइट्स हैं, उसमें शब्बेदारी करें, स्लीपलेस नाइट रखें, और स्लीपलेस नाइट में सबसे अहम तरीन चीज दो बात का ख्याल रखें, कुरान पाक की तिलावत कसरत से, और जो लैलतुल कद्र के हवाले से जो आयत आई है कुरान में, उसकी तलावत बाकसरत, दरुश शरीफ और गौर फिक्र बहुत जरूरी है कुरान में, ठीक है। आज की रात में रब की शान पे, रब की जात पे नहीं, रब की कुदरत पे और रब की शान पे गौर फिक्र में भी जो खामोशी का लम्हा बीतेगा वो भी बहुत ज्यादा अजर सवाब होगा। जैसे कि मौलाना रूम अली रहमान ने फरमाया है कि एक लम्हे का गौर फिक्र 1000 साल की इबादत से बेहतर है, ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हम पर वो इल्म खोला तो वो भी जिक्र करेंगे कि जो ये आयत है, इस आयत में जो लफ्ज आया है वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तो अदराक जो है ये क्या है कि रब क्या कह रहा, तुमको क्या पता। ये जो तर्जुमा है ना, ये वो फीलिंग नहीं दे रहा जो रब कहना चाह रहा है, फीलिंग तो एक्चुअल अरबी में है। हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया कुरान का तो प्रॉब्लम वहीं पे आ गई, पता नहीं कि किस तरीके से किसने हमारा जहन घुमा दिया, माइंड वॉश करके कुरान के तिलावत से डाइविएट करके उम्मत को कुरान के ट्रांसलेशन की तरफ ले आए। एक आदमी मुझे बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वो ट्रांसलेशन के कायल थे कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ने में यकीन रखता हूँ, हिंदी का, उर्दू का या फिर अंग्रेजी का बिलखसूस। तो मैंने ये कहा कि देखें आलिजा, ये जो कुरान है ना, इसके तो बकसरत लातादाद रब की, रब का कलाम है, इसके तो लातादाद, ये तो मौजजा है रब के, और बहसित किताब तो मौजजा है ही, लेकिन पढ़ने वाले के कल्ब पे जो चीज वारिद होती है इसकी तिलावत से, वो भी एक मौजजा है। और सबसे अहम तरीन मौजजों में एक मौजजा ये भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम अपने नॉलेज में इसको ऐड करना चाहें, अगर ऐड है, पता भी है, तो इस पर गौर कर लें, जो कंफ्यूजन से और डाउट से हमें अनसर्टिनिटी से निकालती है, वो ये है कि कुरान की तलावत अगर हम कसरत से, बाकायदगी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करेंगे, खा डेली एक आयत या डेली दो आयत, ठीक है, तो होगा क्या कि उस आयत के माने हमारे ऊपर नेचुरली खुलने लगेंगे, हमारा जो माइंड है ना वो इतना उसकी पावर यूटिलाइज करेगी ये आयत, नेचुरली रब ने उसा उसको कंस्ट्रक्ट किया है इस मल्टी सेलुलर ऑर्गन को, कि माइंड खुद ही मैपिंग कर लेगा, माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लर्निंग में, तो माइंड वो मैपिंग करेगा कि जो आयत आप पढ़ रहे हैं, जिसकी तिलावत कर रहे हैं आप, उसका माना आपके ऊपर खुद ब खुद
खुलना शुरू होगा। और एज एक माह जैसे कि सूरह आले इमरान है, शुरू हो रही है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक। और यही चीज जो है वो बकरा में है, सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी में, वहां डायरेक्ट यहाँ शुरू, वहां पे अलिफ लाम मीम ऐड नहीं है, वहां पे सीधे आ रहा है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम है क्या? अलिफ लाम मीम जो है वो हुरूफ मख्तात है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हुरूफ मख्तात किसी आयत के दरमियान में नहीं आया है, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, गाड़ी भरी है, पूरा सुन रहे हैं कान से पूरा आज। तो अलिफ लाम मीम कहीं भी नहीं, इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा कि किसी आयत के बीच में आ गया हुरूफ मुख्तात, शुरू में है, ये तवज्जो दीजिएगा। नून, अब हम लोग की तो नून क्या है, वहां पे नून आ रहा है। अब हम तलावत कर रहे हैं डेली सुबह में या शाम में या दोपहर में या रात में सोने से पहले, जब भी हमें वक्त रहे नून। अब ये जो वारिद होगा ना कल पे कैफियत, वो माने खुलने लगेगा। एक चीज ये है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो वो थोड़ा दरवेशी या फकीरी से रिलेटेड है, उसको पब्लिकली मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी सरसरी तौर पे लोगों की जो है वो इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस जिक्र कर दे रहा हूं इसका कि कुरान के 10 मायने हैं, है ना, कुरान के 10 मायने हैं। क्या है वो 10 मायने? मख्फी हैं, ये जहन में रखिएगा, वो 10 मायने मख्फी हैं, मतलब हिडन है, हिडन जी। कंटिन्यू वो 10 माने, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो हमारी पूरी तवज्जो आपकी तरफ, आप मोबाइल हटाइए, समझा। तो वो 10 माने मख्फी हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा स्कॉलर, एक मतलब कि अरबी का जो दहर है, अरबी पर जो मुकम्मल दस्तरस रखने वाला स्कॉलर की, उस माने तक नहीं पहुंच सकता है, 10 के पहले माने तक भी नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। वो खालिसतन अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए रखा हुआ है। और जिस तरीके से इंसान अपने नफ्स का तकसिया करने लगता है, अपने कल्ब को साफ और मुनव्वर करने लगता है, तो वो रोशनी थ्रू कश जो है रब उसके दिल पे डालता है। और यहीं से इल्मे लदुन्नी का जो है समुंदर और इल्मे लदुन्नी की जो चाशनी है वो इंसान, क्या है इल्मे लदुन्नी और कौन कौन सी इल्म है जी, मैं आपको बता, से पहले तो जानना चाहेंगे कौन कौन सी जी, इल्म है जी, वो मैं, और इल्मे लदुन्नी का असाहत्व हाउ टू अगेन इल्मे लदुन्नी, ये चाह रहे हैं या फिर उसकी इंपॉर्टेंस? नहीं, पहले तो चाह रहे हैं कि कितनी तरीके की इल्म। अच्छा अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर। तो बात हमारी ये चल रही थी कि रब का मौजजा मतलब कुरान है, रब का करिश्मा कुरान है, तो ये ऐसा करिश्मा है कि उसको सिर्फ आप तिलावत ही करेंगे ना, और मुसलसल करते चले जाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको मेरी ये बात का तजर्बा होगा। मैं ऐसी खालिसतन फिर सिर्फ कलाम नहीं कर रहा, आपको मेरी इस बात का तजुर्बा होगा कि आपके ऊपर माना खुलने लगेंगे, और ऐसे ऐसे इन ट्रांसलेशन ऐसा ऐसा मीनिंग, हिडन मीनिंग खुलेगा और उसकी सिग्निफिकेंस खुलेंगी कि आप बिल्कुल जो है वो उसमें इतना लुफ्तंदोज होंगे कि रब पे फिर भरोसा आपका बढ़ने लगेगा। ये चीजें, ये मैं इसलिए मैं जोर दे रहा था कि आप ट्रांसलेशन की तरफ मत जाइए, तिलावत की तरफ जाइए। और जो आपके एक्सक्यूज है कि जी सिर्फ तिलावत करने से मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या कह रहा है रब, हम तो अजमी हैं, अरबी नहीं है हमारे ऊपर, तो माना नहीं खुला है हमें, तो अरबी का इल्म नहीं। आई डू अग्री, आपका जो क्ले, आपका जो पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल रेलिवेंट है, लेकिन ये कलामे इलाही है। जब आप इसकी तलावत करेंगे तो आप मेरी बात ऑन लाइव रिकॉर्ड में कह रहा हूं चैलेंज के साथ कि कुरान की जब आप तलावत मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो कुरान के माने आपके ऊपर डिस्क्लोज होते चले जाएंगे, हकीकत समझ रहे हैं। अब आपका ये सारी चीज, अब देखिए इसमें इतनी गहराई है ना, आप देख सकते हैं इसमें इतनी गहराई है कि मैं बोल रहा हूं तो बोलता चला जा रहा हूं, बिल्कुल। अब वो भी मैं बिल्कुल कट के अपना दामन बचा के निकल रहा हूं आगे कि पब्लिक दिखेगी तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग और हार्ड और उसके बाद ये मेटाफिजिक्स डिस्कस ना हो जाए जिससे आम लोग परेशान हो। बिल्कुल सादे लफ्ज में, सादी बातें, डे टू डे टोन में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास
अल्लाह ने अता फरमाया, मैं वो नाशुक्री नहीं कर रहा थोड़ा बहुत कह के, इल्म तो बेतहाशा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तलावत आज की रात में करें, है ना, उसके बाद दरुश शरीफ की कसरत है, नवाफिल की कसरत रखें, नजर नीची रहे, नजर नीची रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जुबान से आज की रात कोई नेगेटिव बात ना कहें अपने मन में, खुद से या फिर किसी दूसरे घर वाले के साथ। ये जो चीजें हैं कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप अमल करें तो फिर आपको इदराक हो जाएगा, मतलब कि अगर आपने 10 बजे से जागना शुरू किया और ये चीज फॉलो की तो आपको एहसास हो जाएगा हाँ ये लैलतुल कद्र ये है, आज की रात जो है लैलतुल कद्र है, या फिर ईद वाले दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 23 की जो रात थी ना वो लैलतुल कद्र थी, या 21 की लैलतुल कद्र थी। वो अल्लाह जो है अपनी रहमत के सदके अपने नेक बंदों पर, ठीक है, वो इंकशाफ कर देता है, बहुत रब गले से लगा लेता है। आपने सवाल किया ना इल्मे लदुन्नी के हवाले से, तो इल्मे लदुन्नी समझिए कि जितने उलूम हैं, जितने उलूम हैं उन सब का सेंटर है, जितने भी उलूम की शाखें हैं वो सब इल्मे लदुन्नी से फूटती हैं। इसलिए जब अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को जिस हद तक वो चाहे, ठीक है ना, जिस हद तक वो चाहे ये इल्म अता फरमाता है, तो उस हद तक उसकी निगाह और उसका कल्ब उतना दराज कर देता है, वो अल्लाह की तरफ से नूर पे होता है। और चल रहा है ना? हाँ चल रहा हो, कंटिन्यू। हाँ, वो रब की तरफ से नूर पे होता है, तो उतना समझिए कि इसकी हल्की सी झलक वो तो बंदे के लिए एक हल्की सी ये एक बहुत पूरा जहान होता है, लेकिन रब के लिए वो हल्की सी झलक होती है कि रब अपने बंदे को इजाजत दे देता है कि वो रब के कारखाने कुदरत की का मुशाहदा कर ले, ठीक है, और उसी दर्जे का उसको उसी डिग्री का इल्म लदुनी हासिल होता है। तो एक सिफत जो आप सिफत के हवाले से मेरे ख्याल में आपका यही सवाल था, तो सिफत यही है कि जिस भी उलूम पे आप उससे पूछिएगा तो वो फर 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 बात करना शुरू कर देगा। अगर आप उससे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं तो वो 2 मिनट खामोश रहने के बाद, क्योंकि वो कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है 1.5 से 2 मिनट या 1 मिनट, वो 1 मिनट के बाद आपकी बात को गहराई से सुनेगा, और 1 मिनट के बाद उसको छलकन कहते हैं तसव्वुफ में, छलकन ये लफ्ज याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पानी छलक रहा है या शरबत छलक रहा है या दूध छलक गया, छलकना मतलब ओवरफ्लो। तो जब फकीर ओवरफ्लो हो रहा होता है इल्म, है ना, इल्म लदुन्नी से, और वो बोलना शुरू कर दे, तो अपने मुंह पे ताला लगा लीजिए। मैं तो सबको यही, मैं तो यही करता हूँ कि अपने मुंह पे ताला लगा लेता हूँ अगर दरवेश की जुबान खुल गई, और उसके बाद वो 10 मिनट में इतना इल्म बहा देगा, इतना इल्म बहा देगा, और वो सारा इल्म आपके उसने कल्ब से बोला है, दिमाग से नहीं बोला, याद मेमोरी बेस्ड नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, वो सारा आपके कल्ब उतर जाएगा, आपका कल्ब साफ हो जाएगा। और जहां झूठ और गीबत से हमें निजात मिली, आखिरी आशरा जो है निजात का आशरा है, उलमा इसको कहते हैं कि ये जहन्नम से निजात है, तो जहन्नम से निजात तभी मिल सकती है जब झूठ और गीबत ये जो है ना ये हटा लें, इल्म लदुनी खुद बखुद हासिल हो जाता है। इसका कोई प्रैक्टिकल जैसे स्टेप वन स्टेप टू जो ब्लू प्रिंट है, वो ब्लू प्रिंट ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि कल्ब साफ रहे झूठ और गीबत से, आप अपनी नजर को नीची करें, पीस ऑफ माइंड पर आजकल लोग बहुत बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, साइकोलॉजिस्ट की लिखी हुई किताबें पढ़िए, है ना, सेल्फ हेल्प बुक आपको पीस ऑफ माइंड में हेल्प करेगी, ऐसा कोई हेल्प होता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के पावर की बात होती है, ये बात की बातें हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ करना ही नहीं है आपको, अपनी जुबान को नेगेटिविटी से दूर रखना है, उस पर खामोश रखना है, आप पर्सनल खुद से नेगेटिव बात मत कीजिए, ठीक है, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अपने दोस्त से, घर में, माँ बाप से, भाई से नेगेटिव बात करने से बच रहे हैं, जब आप खुद से भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे तो। एक चीज हो गई, दूसरी बात यह है कि कल एक जगह हम बैठे हुए थे, बहुत लर्नेड आदमी है, कल या परसों उनकी महफिल में, वो हिंदुइज्म से रिलेटेड काफी चीजें डिस्कस कर रहे थे,
उन्होंने, मैंने उनसे एक सवाल किया तो उसका उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन एक चीज मेरे जहन में जाके बैठ गई। उन्होंने कहा कि लहरें हर इंसान की तरंगे निकल रही हैं, सबसे ज्यादा तरंगे निकलती इंसान के फेस से, और फेस से भी ज्यादा तरंगे निकलती इंसान की आंखों से। ठीक है, हम अगर बाजार में जा रहे हैं सारे इंसान का चेहरा देख रहे हैं, 99% आदमी तो आज के डेट में मायूस है, तो वो मायूसियत जो है ना हमारे अंदर आ रही है, हर आदमी का फेस देखते चल रहे हैं, सब कोई परेशान है, तो कोई कोई पैसे की वजह से परेशान है, कोई पैसा ना होने की वजह से परेशान है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छा कपड़ा खरीद लेंगे, किसके सिवा इतना पैसा है कि 5,000 रुपए का कपड़ा खरीद भी लिया तो पसंद नहीं आ रहा है। तो जो हम उनका चेहरा देखते हैं ना, तो वो तरंगे हमारी तरंगों से कनेक्ट हो जाती हैं, हमारा भी दिल उसी तरीके से मायूस हो जाता है। तो नजर की खामोशी बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लोग बोले हैं कि खामोशी का तो ताल्लुक जुबान से है, लेकिन यहाँ पर नजर से भी है। तो नजर की खामोशी यानी कि जो आपकी गेज है ना वो डाउन रहे, स्पेशली मार्केट में, और जुबान से जो सेल्फ टॉक होता है नेगेटिव वो ना हो, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आप तजर्बा करेंगे कि आपका दिल साफ हो रहा है गीबत से, जेलेसी खत्म हो जाती है, और बैक बाइटिंग इंसान करता नहीं है, वो जानता है कि रब कुन फयकुन का मालिक उसके साथ है, तो फिर कौन उसका क्या बिगाड़ लेगा, है ना। क्योंकि हजरत अली का कॉल है, जैसे कि हजरत अली की शहादत का भी दिन आज है, तो हजरत अली ने फरमाया है कि मौत तो खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, तो कोई इसका क्या मतलब, पत्ता भी नहीं हिला सकता। ठीक है, आप अगर तवज्जो करेंगे कि हमारी सांसें अभी चल रही हैं, आपकी चल रही हैं, है ना, तो इसमें कौन ऐसी दुनिया की ताकत है, अगर सऊदी का प्रिंस, गूगल का CEO, ठीक है, एप्पल का ओनर, सारे मिल के चाहे कि किसी को एक आदमी से एक सांस छीन ले या एक सांस दे दें, नहीं कर पाएंगे। सारे मिलकर चाहे कि अभी रात हो चुकी है, अंधेरा है, सूरज को थोड़ा वापस ले आए, या सूरज अपनी जगह से एक सेकंड के लिए आगे पीछे कर दें, तो उनकी कुदरत नहीं, सारा रब के निजाम में जकड़ा हुआ है, रब के हुक्म के निजाम में जकड़ा हुआ है। तो फकीराना बात हो जाएगी अगर मैं उसको डिटेल में जाऊं तो, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि जुबान की खामोशी और नजर की खामोशी, और ये पॉइंट जो नौजवान नौकरी करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 6 बजे सुबह से उठ के जाते हैं गुड़गांव, दिल्ली का तो ही सिनेरियो मैंने देखा, कैब आई गुड़गांव चले गए, 2 घंटा सारी आंखों से पूरे रास्ते को और इसको उसको देखते देखते ऑफिस पहुंचते पहुंचते फ्रस्ट्रेट हो गए, और फिर जुबान से भी एक दूसरे की खिंचाई, गीबत, बुराई करना, ठीक है, सारा दिन जो है उनका बिल्कुल गार्बेज हो गया। अब उनमें क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी, कैसा वो डिलीवर कर पाएंगे, आप सोच लीजिए एंड ऑफ द डे फिर वही फ्रस्ट्रेट होकर घर आ जाते हैं। लेकिन हम अगर इस 2 सुन्नत को पकड़ लें, जुबान की खामोशी और नजर की खामोशी, तो सारी जो अलाइशें मैंने कही थी इमाम गजाली के हवाले से, वो सारी अलाइशें 1 by 1 साफ। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर आकिब। जो ये अलाइशें जो इमाम गजाली ने गिनवाई है 10, वो 10 की 10 अलाइशें 1 by 1 साफ होती चली जाएंगी, क्लीन होता चला जाएगा, आपका हार्ट वॉश हो जाएगा, है ना, वॉश हो जाएगा आपका हार्ट, आपका माइंड बिल्कुल वॉश और फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से जो क्रिएटिविटी इमिट होगी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी कि दुनिया देख के हैरत में आ जाएगी, यार इसने इतना क्रिएटिव बिजनेस बना कैसे लिया, या ये इतना क्रिएटिव आदमी है कैसे, कौन से कोर्स किए, कहाँ पढ़ा, क्या कौन सी किताबें पढ़ ली, ठीक है ना। तो ये किसी किताब के पढ़ने का अंजाम नहीं होता है, ये बस 2 चीजों का अंजाम होता है, ट्रस्ट और रब पे ट्रस्ट, और कल्ब का साफ होना झूठ और गीबत से, और झूठ और गीबत ही सबसे बड़ी बुराई है। तो 10 अलाइशे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गजाली अलैहि रहमा की मैं बुक भी रिकमेंड कर दे रहा हूँ आपको, कीमियाए सादत इमाम गजाली अलैहि रहमा जरूर पढ़िए, और कीमियाए सादत पढ़ने के बाद तो आप शैदाई गजाली हो जाएंगे। तो ये हियाउल उलूम 4 जिल्दों में है और 10-10 उनवान के साथ है, तो 40 उनवान बनेंगे मुख्तलिफ इल्म की हकीकत से लेके मौत की हकीकत तक, ये 40 उनवान उन्होंने डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल से।
तो झूठ और गीबत जैसे ही साफ होता है तो फिर और जो बाकी आलाइशें हैं ना वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं और वो बिल्कुल जल्दी से साफ साफ हो जाती हैं। फिर अल्लाह के नूर की सिफात की तजल्ली का अक्स अदना सा आपकी रूह पर पड़ने लगेगा, और जब वो पड़ेगा तो फिर हकीकत मानों में नमाज कायम होगी, हकीकत मानों में याद इलाही होगा, हकीकत मानों में इंसान प्यार से भर जाएगा, हर इंसान को वो देखेगा कि वाह मेरे रब का मोहताज है, तो इससे मैं क्या जेलिसी करूं, ये तो मेरे ही रब का मोहताज है सांस के लिए, ये तो मेरे ही रब का मोहताज है आंखों के लिए, ये एक अपने वजूद के एक एक लम्हे में इसका इसके वजूद का रोआ रोआ मेरे रब का मोहताज है, तो मैं इससे क्या जेलिसी करूं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि इन अल्लाह कुल्ल शैन कदीर, अल्लाह के बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है और अल्लाह के लिए सब कुछ करना आसान है, ये कमाल है। इसको कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंक्लूजन यही हो गया आज की रात का कि पीस ऑफ आई, पीस ऑफ टंग, देन माइंड पीस में चला जाएगा, फिर हार्ट पीस में चला जाएगा, जेलेसी और झूठ से आजादी मिलेगी, जो ये मुक्ति का अशरा है, सेल्वेशन का, निजात का, ये दो चीज से अगर आजादी मिल गई 10 दिन में, समझिए कि रमजान कामयाब हो गया। ये भूख से तो रोजा है ही, जुबान का भी रोजा, नजर का रोजा रखें तो चीजें बिल्कुल कामयाब हो जाएंगी। और नजर के हवाले से फाइनल बात करके मैं वाइंड अप करूंगा कि मान लीजिए कि आप यहां से पटना जा रहे हैं बाई कार या बाई ट्रेन, और अपनी नजर घुमाते चलिए, घर से निकलिए ट्रेन स्टेशन तक, सारे नजर घुमा के आपने हर रास्ते, हर दुकान, हर इंसान को देखा जो कि नेगेटिव तरंगे इमिट कर रहा है अपने आंखों से, अपने चेहरे से, आपकी कनेक्शन उनसे बनती चलेगी ना चाहते हुए भी, और आप स्टेशन जाते जाते थक गए, स्टेशन में गए, ट्रेन पर बैठे, सारे इंसान को देख रहे हैं, सबसे फालतू की बातें कर रहे हैं, है ना, आपको पटना जाते जाते वो इतना थका देंगी, इतना थका देंगी कि आपको लगेगा कि 3 घंटे का सफर नहीं करके आए हैं, 3 दिन का सफर करके आए हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप नजर का और जुबान का रोजा रखते हैं सफर में बिलखुसूस, तो वो सफर बहुत आसान हो जाता है। तो दुनिया की भी जिंदगी एक सफर है, बहुत ही कलील सफर है, बहुत ही मुद्दत उसकी कम है, और इसको और इजी और इफर्टलेस और हैप्पी बनाना चाहते हैं हम, तो बस रोजा रखें नजर का और जुबान का, फिर देखें जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, और फिर रब पे जो भरोसा डेवलप होगा वो इंसान को बिल्कुल हैरत में डाल देता है कि रब मेरा मेरी ख्वाहिश को पूरा कैसे कर रहा है बगैर बोले हुए, तो फिर इंसान हकीकी मानों में सजदे में जाता है, सुभाने रब्बी अलाला की हकीकत वो सजदे में आया होती, और फिर ये पता चलेगा कि मोमिन की मेराज जो है वो नमाज है, कैसे है कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन पता चल जाएगा गुरु, इनकशाफ हो जाएगा आपके ऊपर, ये है दीन, फिर आप खामोश हो जाएंगे बाहर से भी और अंदर से भी, और बिल्कुल हर लम्हा, हर आन, हर क्षण, हर सांस अल्लाह की याद में गर्क रहेगी, उसी तरीके से जैसे एक रसगुल्ला जो है वो रस जो उसका होता है उसमें बिल्कुल डूबा हुआ होता है ना, तब तो उसमें मिठास आती है, तो कल्ब जिक्र इलाही में डूबा रहता है, और यहां से फिर मोमिन की शान शुरू होती है, और फिर वो मोमिन की शान में वो उनमें अनासिर पैदा होते हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, तो वो अनासिर इतनी शिद्दत के पैदा होते हैं, और अनवार कलामे इलाही की आयात के अनवार जो हैं आपकी जुबान पे आते हैं, और फिर देयर इज नो एंड, जब वो अनवार आते हैं तो बहरे जुल्मात पे घोड़े दौड़ जाते हैं गुरु, कमांडर इन चीफ दौड़ रहा है समुंदर के पानी पे हैं, अब पीछे जो आर्मी है वो कूई अकल को ताक पे रख दिया है, धरी की धरी रही, ना तो मैं रहा ना चुनू रही, जो रही सो बेखबरे रही, है ना, तो फिर वो भी समुंदर में दौड़ जाते हैं, और जिंदगी तो यही है। बिलीव पे और ट्रस्ट पे क्या बोलना चाहेंगे, क्या है बिलीव, क्या है ट्रस्ट? जी जी
बिलीव और ट्रस्ट तो है, वो तो डिस्कशन में आएगा ही, लेकिन ये तवील तो नहीं हो जाएगा वीडियो? नहीं नहीं वीडियो नहीं है, लाइव है, जितना भी देर तक का। अच्छा वो हमें इतना झेल लेगी पब्लिक? पब्लिक 3 घंटा 4 घंटा चलेगी, अभी लाइव चल रहा है। ओ अच्छा, लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो सवाल आपका बिल्कुल जामे है, फिर हम लोग कभी और करेंगे, है ना। लेकिन ये टॉपिक जो आपने छेड़ा है भरोसे का, दूसरा हो जाएगा ये, थोड़ा सा टॉपिक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि लैलतुल कद्र के हवाले से जो चीजें थी वो मैंने बयान कर दी। आज के लिए इतना ही, इसको भी करते हैं ना। जुबान की खामोशी, नजर की खामोशी, कुरान पाक की तिलावत, बिल्कुल नजर नीची रहे, किसी तरीके की कोई भी नेगेटिव बात जुबान से नहीं निकले कि अभी यार पूरी रात। बस एक चीज और यहाँ पे लोगों के लिए जानने के लिए बाकी रह गया, 27वीं रमजान को कहाँ से ही आया लोगों के बीच में कि 27वीं बहुत खास है, कैसे निकाल लिया? देखिए दो चीजें हैं, अगर आवाम की बात करेंगे तो आवाम में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये हिस्टोरिकल इसकी बेसिस क्या है, वो तो नहीं पता है। ये तो कुरान हदीस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी आप मुस्तनद किसी ऑथोरिटी से, किसी आलिम से ये पूछेंगे, वो स्कॉलर जो इस्लाम पे ऑथोरिटी है, उससे पूछेंगे कि आप जरा ये बताएं हजरत हमें कि 27वीं रात ही जो है वो लैलतुल कद्र है, तो वो डायरेक्ट बोलेंगे आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ताक रात की बात करेंगे, 21-29 ताक रातों की बात करेंगे। लेकिन कुछ ये निकालते हैं कि कुरान में 27 दफा ये लिखा हुआ आया है, इसलिए 27वीं, वो इल्मे जफर की बात है, वो इल्मे जफर उसको कहते हैं। तो इल्मे जफर एज ए नॉलेज आप सीख सकते हैं, लेकिन इस्लाम जो है ना वो बहुत प्योर है, उसमें कोई पीछे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पेचीदा नहीं है इस्लाम। इस्लाम बहुत प्योर है, बहुत सिंपल है, बहुत पीसफुल है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड फिर से कह रहा हूँ कि ऑड नाइट्स की बात हो रही है, ठीक है, जो ऑथेंटिक बात है वो ऑड नाइट्स की है। कौन क्या फैला रहा नहीं फैला रहा वो जाने, लेकिन ऑड नाइट्स की बात है, 21, 23, 25, 27, 29। और रब ने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके पीछे भी रब की हिकमतें हैं, रब ने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि अगर आप ये 5 रातें जाग गए, एक मान लीजिए 29 की शब कद्र थी, 29 आपने पाया, उसके फ्यूज और बरकत आपने बटोर लिए, ठीक है, तो बाकी 4 रातें ये जहन में ना बैठा लें कि बेकार गया, यही ना। अगर मान लीजिए हमें पता चल गया कि 29 होती हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखें तो कभी भी एक रात प्रॉपर तरीके से शब कद्र में नहीं आई है ना, रिपीट हुई है, पर पर्टिकुलरली एक रात कंसिस्टेंसी के साथ आए कि 27 27 27 नहीं, 1900 जैसे कि 1445 हिजरी चल रहा है, तो 40 में मान लीजिए 23 होगी, 41 में हो सकता है 27 हो, फिर 43 हिजरी में कुछ और होगी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ध्यान में ना लाएं कि एक ही है तो 4 रात जाया जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। रब जो है ना इंसान को अपने दर से खाली हाथ नहीं भेजता है, वो भर के भेजता है। और अगर उसका तजुर्बा आपको करना है तो मैं फिर से कहूंगा, नजर की और जुबान की खामोशी रखें, खामोशी इख्तियार करें, जहन साफ होगा, जहन साफ होगा तो कल्ब भी साफ हो जाएगा इंशाल्लाह, और तस्किया नफ्स के मराहिल भी बआसानी तय हो जाएंगे, और अल्लाह जो है अपने नेक बंदे तक आपको पहुंचा देगा। आप सोचेंगे ना कि यहाँ पर तो गुरु की बहुत ज्यादा अहमियत है, हर चीज को सीखने के लिए कोई ऑथोरिटी चाहिए ना भाई, कोई तो गुरु चाहिए, कोई तो शेख चाहिए उसके लिए, तो अल्लाह जो है अपने नेक बंदे तक आपकी आपकी रसाई करा देगा, वो बआसानी है। बस इन ये दो चीज अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर लें कि नजर का और जुबान है ना, तो फिर तो देर इज नो एंड, मतलब ना दुनिया में ना आखिरत में। अगर मैं गरीब हूं तो मुझे अमीर बनने से कौन रोक रहा है? आप सोचे ना, मैं एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा था, थिंक एंड ग्रो रिच, उसी से मुझे ख्याल में आया कि उन्होंने जो इतना इलस्ट्रेशन डिस्कस किया है अपनी किताब में, उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया उन्होंने, अपनी किताब का टाइटल तो बहुत इफेक्टिव चूज किया, थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचिए और फौरन अमीर बन जाइए, ये ऐसा जादुई चीज, ये मैजिक वैंड वाली बात उन्होंने कही, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी उस किताब की वजह से, कोई भी दुनिया में एक आदमी खड़ा होकर नहीं बोल सकता है
इस किताब की वजह से मैं अमीर हो गया, नहीं बल्कि अमीर होना और कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अमीर होना अगर इस्लाम के एंगल से देखेंगे तो बहुत आसान है। ये हम यहाँ से स्टार्ट ले लें, यहाँ पे सोचना शुरू कर दें कि क्या चीज है। मेरे पास मान लीजिए मैं 5,000 रुपए महीने कमा रहा हूँ, तो क्या चीज है जो मुझे 50,000 रुपया महीने नहीं कमाने दे रही है, उससे रोक रही है? क्या मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है? क्या मेरे पास वो कॉलेज की डिग्री नहीं है, या वो कॉलेज की डिग्री, किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज की डिग्री होना जरूरी है पैसे के लिए? उसका पैसे से क्या रिलेशन है, है ना? तो आपको जहन बिल्कुल खोल देगा, जहन बिल्कुल अनसर्टिनिटी से दूर हो जाएगा, जहन बिल्कुल फ्री ऑफ डाउट हो जाएगा कि नहीं, ये सारी बकवास की चीजें हैं कि मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है और मेरे अंदर फला कॉलेज की डिग्री नहीं है, सारी बकवास की बातें हैं। या फिर कोई मेरा रिश्तेदार मेरे ऊपर जादू कर रहा है, या मेरे फलाने फूफा या फलाने मामा नहीं चाहते हैं कि अमीर हो, पूरी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है सर, शाने सर। हम हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिव आवाज है वो ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी को कहा गया है सूरह नास में जो एक्सप्लेनेशन आई है कुरान की सबसे आखिरी आयत में, है तो वो इसी की तरफ इशारा कर रही है कि जो दबक के इंसान के अंदर, दबक के जो ट्रांसलेशन हुई है, तर्जमा मैं आज ही पढ़ रहा था, उसमें दबक का आया है, है कि दबक के तुम्हारे दिल में वो डाउट डालता है, शक डालता है, दबक के, है ना? इसीलिए शक का लफ्ज कुरान में बहुत कसरत से यूज हुआ है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रही बफी, है फिर शक, यहाँ पर डायरेक्ट शक की बात कैसे आ गई? कुरान अलिफ लाम मीम, अब इससे जोड़िएगा उसको ना, वो चीजें बहुत तवील जाएंगी। तो ज़ालिकल किताब ला रही बफी, तो वालेकुम अस्सलाम शबनम फियाज, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की जगह नहीं है। अब देखिए शक क्या है, शक की हकीकत क्या है, शाने भाई वो छलकन में आ जाता है आदमी, तो इसको डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन कंक्लूजन यही है कि कुरान ऐसी चीज है, ऐसी किताब है, उसमें शक की जगह नहीं है। तो जब तलावत करेंगे ना तो ये इंकशाफ होगा आपके ऊपर कि वाकई में शक की जगह नहीं है, वाकई में कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। वो आप लगातार उसको तलावत करते जाएंगे तो उसका माने और उसकी हकीकत और आपके ऊपर इफर्टलेसली नेचुरली जो है आपके ऊपर खुलती चली जाएगी, डिस्क्लोज होती चली जाएगी। तो गरीब अमीर होने से किसी को कोई रिश्तेदार नहीं रोक रहा है या कोई जादू नहीं रोक रहा है, वो अंदर की आवाज है, वही रोकती है इंसान को कि तुम्हारे अंदर ये नहीं कर पाओगे, नहीं हो सकता है, वो पोटेंशियल नहीं है, या फिर तुम किसी बड़ी कॉलेज से डिग्री नहीं ले रखी है, या बड़े कॉलेज से डिग्री है तो सीएस की डिग्री नहीं है, काश मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती आईआईटी से तो मैं भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकता था, अमरीका में जा सकता था, वहां डॉलर में कमा सकता था, ठीक है, तो इंडिया भेजता तो लाखों करोड़ों होता, मेरी फैमिली सेट हो जाती, है ना, हम लोग अमीर हो जाते। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जब आप नजर का और जुबान का, समझ रहे हैं ना, ये दो चीज को जब आप प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अल्लाह ने चीजें हम लोगों के लिए आसान बनाई है। रब ने जो है वो कहा है कि रब एक इंसान पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर बर्डन नहीं देता, है ना। बहुत आसान है कामयाब होना जिंदगी में, बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। साहबा अकराम तो लकड़ी बेच के अपना गुजर बसर करते थे, तो क्या वो नाकामयाब, कोई कहेगा उनको कि वो नाकामयाब है? ऐसे भी जलीलुल कद्र साहबी गुजरे हैं जिनके पास बेशुमार ऊंट हैं, बेशुमार हिरन हैं, बेशुमार दुम्बे हैं, बेशुमार बकरियां हैं, बेशुमार दौलत है। ऐसे भी साहबी गुजरे हैं जिनके पास, अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह ताला, ठीक है, तो माली एतबार से बिल्कुल जो है वो सेक्लूडेड है, सेपरेट है, बहुत कम, ये तो लफ्ज मैं नहीं यूज करना चाहूंगा साहबा इकराम के शान में, लेकिन ये है कि हाँ उतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या उनको कोई नाकामयाब कहेगा? नहीं। ये कामयाबी और नाकामयाबी का तसव्वुर भी इस्लाम में जो है उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन हाँ उसका फाइनेंशियल
खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, कामयाबी हमारे भाई साहब देख रहे हैं, महफूज खान ओ हाफिज कुरान भी हैं, महफूज खान अच्छा जी, और ने अल्लाह ग्रो यू एट, एक हमारी फास्ट रेट मैडम जी भी देख रही हैं, शबनम फैयाज जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं पूर्वी चंपारण से। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें लैलतुल कद्र के हवाले से, लैलतुल कद्र के हवाले से, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। और हमारा साथ है काफी बड़ी शख्सियत बैठे हुए है मोहम्मद अकरम शाह, जो कि आपको बताएंगे अपने इल्म से, इल्म लदूनी की तरफ इनका रुझान है, और इल्म लदूनी के बारे में भी काफी कुछ इन्होंने बताया भी है शुरू में वीडियो में। और आप लोगों का अगर क्वेश्चन है कुछ पूछ सकते हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगा, एक और चीज है कि लोग जैसे ये रमजान आता है तो लोग पूछते हैं कि कुरान आपने कितनी बार खत्म किया है, तो कुरान का अरबी में, कुरान को अरबी में ही पढ़ना क्यों जरूरी है? अरबी में भी, अरबी में ही पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है, अरबी में ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उर्दू, कंफ्यूजन कहां से पैदा हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट तो वही कर रहा है ना रब, अल इस्लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, स्टार्टिंग तो वही पर हो रही है, अल इस्लाम मीम हुरूफ मख्तार है ना, और उसको देखिए, इसको कहते हैं रब्त बैनुल आयात। अच्छा, है ना, ये टर्म यूज होती है जो कुरान के स्कॉलर होते हैं उनके दरमियान, ये बकसरत ये टर्म यूज होती है, रब्त बैनुल आयात कहते हैं, रब्त मतलब कनेक्शन, है ना, उसमें शक की जगह नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ने लग गए तो मार्केट में ऑलरेडी इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में इतने सारे ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हैं, आप किस किस ट्रांसलेशन को पढ़िएगा? मान लीजिए आपने किसी मिस्टर ए की ट्रांसलेशन को पढ़ा और मैंने मिस्टर बी की ट्रांसलेशन को पढ़ा, तो मैं बोलूंगा नहीं बी सही है, आप बोलेंगे नहीं ए सही है, तो इसमें फिर कंट्रडिक्शन आएगा। अब वो कलाम जिसकी शुरुआत ही इससे हो रही है कि कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, आप फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, यहां पर तो उन्होंने ये हुआ है ना, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अरबी में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो सारी फिर फयूज से दूर हो जाएंगे, पढ़ लीजिए, मैं रोक नहीं रहा, मेरी जो टूटी फूटी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए। अब उसमें इतने सिरात अल मुस्तकीम में किसी ने लिखा या अल्लाह, किसी ने ट्रांसलेट किया या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला, किसी ने किया है या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, है ना। अब आपस में दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, दोनों के मानने वाले कि नहीं मेरे स्कॉलर ने तो ये कहा है ये सही है, आपके स्कॉलर ने गलत कहा है ना, तो ये फिर एक क्योस अफरा तफरी पैदा होती है ना, अफरा तफरी। और ये हम लोग को अजमी बोल के लोग कहते हैं आप अजमी है ना, आपको कुरान को जानने के लिए उसका ट्रांसलेशन पढ़ना लाजिम है, लेकिन हम उसको कहेंगे आई डू अग्री कि हम लोग अजमी हैं, लेकिन कुरान जो है ना तमाम आलमीन के लिए उतारा गया है, चाहे अजमी रहे चाहे अरबी रहे, और कुरान जब उतारा गया है तो उसमें वो तासीर है कि जब इंसान उसकी तिलावत करता है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेचुरली इफर्टलेसली उसका माना खुलता चला जाता है, ये चीजें हैं। और जो आपने कहा कि सवाल का पहला हिस्सा था कि रमजान में ही क्यों, बिल्कुल सही है, रमजान में कुरान उतरा है, ठीक है ना, तो इसलिए शिद्दत जो है बढ़ जाती है रमजान में, 11 महीना रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है, सब्बे बारात जो होती है उसमें भी लोगों का मानना है कि कुरान वहां भी उतरा है, कभी कभी मैं सुनता हूँ ऐसा, इस शबे बारात जो है वो 15 शाबान को होता है, तो 15 शाबान में कुरान के नाजिल होने का कोई चीज नहीं है, बस 15 शाबान एक पायस नाइट है, पायस नाइट है, उस नाइट रब की रहमत खास तौर से रुजू होती है, तो उसकी फ्यूज बटोर ले और कंफ्यूजन में ना पड़े, आपस में जो है वो इंतशार में ना पड़े, ठीक है। अगर किसी का कोई
किसी ने अपना कोई कॉन्सेप्ट बना लिया है तो वो अपना अपना कॉन्सेप्ट अपने पास रखे, क्योंकि अगर एक दूसरे से आर्गुमेंट करेंगे ना तो फिर वो दीन की जो हकीकी चाशनी मिलनी चाहिए जो साहबा कराम को मिली है, फिर उससे हम दूर रह जाएंगे। फिर तो होगा यही कि मैं अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा रिफरेंस के साथ, ऑथोरिटी के साथ, आप भी अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे रिफरेंस के साथ, तो फिर यहाँ पे जो होता है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप होता है, इससे दूर रहना चाहिए। और क्यों करना है ना सवाल देख ली, हमें लैलतुल कद्र में ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए क्या? पूरी रात जागना एकदम वाजिब है क्या सर? अब ये बात है कि कोई कहे आपको, मान लीजिए तो शिर्क हो जाएगा माजल्ला, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अंबानी अगर बोले कि आज मुंबई में मेरे घर के बाहर ठीक है दरवाजा खोल दिया जाएगा, अंदर अशरफियां पड़ी हैं, सोने जवाहिर पड़े हैं, जो जितना लूट सकता है लूट ले, रात भर का टाइम है, तो फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि वाजिब है कि नहीं है, कितना परसेंट जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए, फिर कोई आधे घंटे एक घंटे का बीच में नैप ले लें या सो जाए आधा घंटा वो बेहतर है, ये कंडीशन आएगी वहां पे? वहां पे तो तवज्जो यही रहेगी कि हम तो पहले भागे और पूरी रात ही समेटे, पूरा अपना हम लोग बड़ा बड़ा वहां पे बैग ले जाएंगे, ठीक है ना, कैरी बैग कि उसमें कैरी कर सके, है ना, मतलब जितना। तो जब कुन फाया, देखिए कुन फाया कुन का मालिक जब कह रहा है कि मेरी शाने रबूबियत के कह रही है कि तुम जो मांगो वो दे देंगे, मैंने जो पहले डिस्कस किया आखिरत में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बस मांगने से मिल जाएगा, एक लफ्ज हिला पूरा हो गया, ठीक है, और जब दुनिया की मांगिएगा तो फिर रब उसमें कंसीडर करेगा आपकी साइकोलॉजी को, ठीक है, अब बेहतर रहेगा तो दे देगा, नहीं बेहतर रहेगा तो नहीं नहीं देगा, कहीं पर जाके और कंपनसेट कर देगा रब। तो ये सवाल थोड़ा सा किसी भी स्कॉलर का तर्जमा पढ़ सकते हैं, महफूज खान बता रहे हैं, बाकी सबसे मतलब मीनिंग शब्द का सेम होना चाहिए। एक ये बता रहे हैं काशिफ खान, इनका क्वेश्चन पढ़िए एक सेकंड। देखिए देखिए अरबी में देखिए जहां तक ये बात है ना, जहां तक ये बात है कि सबका पढ़ना चाहिए, तो हाँ पढ़, मैं पढ़ने से नहीं रोक रहा हूँ आपको, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुरान वाले से जुड़ जाइए, और जब कुरान वाले से जुड़ना है तो अहमद बिन हम्बल जो है एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट गुजरे हैं, मतलब कि लॉ मेकर है ना, तो एक स्कूल ऑफ थॉट उनका अलग से है, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, वो लॉ इस्लामिक लॉ के की जो जो सर्कमस्टांसेस हैं है ना, उसमें उनका अलग एक स्कूल है कि किस सर्कमस्टांसेस में क्या क्या करने चाहिए, ठीक है। तो जब अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु एक रात सोए बड़ी परेशान होके कि रब तक पहुंचना है, तो ऐसा कहा जाता है, ये ऐसा मानना है कि रब का दीदार हुआ उनको ख्वाब में, ख्वाब में रब का दीदार हुआ, तो उन्होंने रब ने उनसे कहा कि अहमद क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि बारी ताला तेरे तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता है, तो रब ने फरमाया कि हाँ मेरे कलाम की कसरत से तलावत करो मुझ तक पहुंच जाओगे, तो मेरा जो जोर है वो तलावत के ऊपर है, तलावत कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है इनका, देखिए काशिफ खान तलावत, देखिए तलावत पे तवज्जो है, ठीक है, तर्जुमे के हवाले से है इनका भी सवाल, तो तर्जुमे के कंफ्यूजन में ना आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तर्जुमे के कंफ्यूजन में मत पड़िए, आप कुरान पाक की तलावत करिए, और सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं, जो आजकल बर्निंग टॉपिक बना हुआ है फिरका वारियत हमारे नौजवान में, कि हर बंदा अलग अलग पर्सनालिटी को
आइडियलाइज कर रहा है और एक दूसरे से बोल रहे हैं कि नहीं मैं जिन्हें मानता हूँ वो सही है, मैं बोल रहा नहीं मैं जिन्हें मानता हूँ वो सही है, तो इससे दूर रहिए, फयूज पे जाइए, रब का कलाम है उसकी तलावत कीजिए आप कसरत से, फिर देखिए किस तरीके की जो मैं दो बात पे तवज्जो बार बार दे रहा हूँ ना, नजर की खामोशी और जुबान की खामोशी। तो जुबान की खामोशी तो हम लोगों ने बचपन से सुना होगा जाने भाई, नजर की खामोशी कभी नहीं सुना हमने कि नजर की खामोशी होती क्या है, लेकिन तसव्वुफ में फकीर लोग इसको नजर की खामोशी कहते हैं, और जो नजर की खामोशी जब आ जाती है और जुबान की खामोशी, तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर ये आता है कि अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, हर काम में आप ऑफिस में भी बैठे रहेंगे ना तो आपके सबकॉन्शियस में यही चलता रहेगा कि बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है और अल्लाह के लिए सब कुछ करना आसान है, और उसका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज को चाहता है तो उससे फरमाता है हो जा तो वो फौरन हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर गुरबत से भी निजात मिल जाती है, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में कि इंसान गरीब होता क्यों है और उसको गुरबत से निजात कौन सी चीज दे पाती, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी किया अमृत सेन ने, जिनकी जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी मिला है 1998 में। तो उनकी थ्योरी ऑफ चॉइस को आप अगर पढ़ेंगे और अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो अभिजीत बनर्जी को आप पढ़िए, पुअर इकोनॉमिक्स उनको फॉलो कीजिए, वो जनाब एमआईटी में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के। तो मुझे उन लोगों को पढ़ के ना बड़ा मजा आ रहा था कि इतना जहन दौड़ाने के बाद भी इतनी साल बैठ के लाइब्रेरी में इतना दिमाग खपाने के बाद भी वो कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए लोगों को कि आखिरकार गुरबत से निजात दिलाए कैसे इंसानियत को और गुरबत पैदा कैसे होती है। तो मैंने तो वो अर्ज कर दिया कि इस्लाम जो है गुरबत से निजात जितनी आसानी से दिलाता है इंसानियत को, नॉट कि मुसलमान, उस उतना ज्यादा तो कोई दिलाता ही नहीं है, है ना। वो कैसे, वो इस तरीके से कि जो वसवसा डालता है दिल में दुबक के, आप कुरान की आखिरी आयत को पढ़िए, आखिरी सूरे को, ठीक है, उसकी आयत को एक एक आयत को ठहर ठहर के पढ़िए और उसके रब्त को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है रब, रब ने ये इंसान क्या, सबसे सफरिंग की का जो सेंटर है ना वो अंदर की आवाज है, और अंदर की आवाज मैक्सिमम लोगों की नेगेटिव होती है। कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी चीज काम शुरू करने से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आप मुखर्जी नगर तो जा सकते हैं, पैसा तो आप बारिश की तरह बरसा सकते हैं, लेकिन अपनी पोटेंशियल जो रब ने दी है वो अंदर की जो आवाज है उस पोटेंशियल को खा लेती है, और उस अंदर की आवाज को जो 99.99% लोगों की नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितना चाहें आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लें, जितना चाहें आप यूट्यूब में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करें, जितना 1000 के वीडियो ना देख पाए आप, जो भी कोशिश करनी है कर लीजिए, लेकिन निजात नहीं मिलेगी। एक ही रास्ता है निजात का, वो है कुरान पाक की तलावत और नजर और जुबान की खामोशी। नजर की और जुबान की खामोशी अगर रखेंगे तो फिर जहन में ये सारी आवाज आएंगी लेकिन वीक हो जाएगी आवाज है, आप उसको ओवर पावर कर लेंगे, एक दिन ये आएगा कि आवाज का जो असर पड़ता है आपके ऊपर नेगेटिव मनफी, तो वो असर खत्म हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, दिल जो है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, है ना। फिर जो फिजिकल रियलिटी होगी, मतलब कि आज एक आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी फिजिकल रियलिटी ये है कि एक साल के बाद आपका रिजल्ट आएगा, दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन फिजिकल रियलिटी तो एक साल के बाद दुनिया की नजर में आएगी, लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिटी वो आज ही बन जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस एग्जाम में मैं पास कर लूंगा, इस एग्जाम को बआसानी निकाल लूंगा, ठीक। तो वो जो नेगेटिव आवाज है जो दिल में बैठ करके शैतान और नफ्स डालता है, उस आवाज से निजात हासिल करने का एक ही रास्ता है, नजर की और जुबान की खामोशी और कुरान पाक की तलावत। और तर्जुमे का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए,
कि कुरान पाक मौजजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का करिश्मा है कुरान, और जब इसकी तिलावत हम करते हैं मुसलसल बाकायदगी के साथ तो इसका माना खुद ब खुद हमारे ऊपर खुलने लगता है। आज के लिए काफी है, बड़ी लंबी गुफ्तगू आपने छेड़ दिया तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं फिर से मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।